इसके बाद आखिरी में आता है पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है ना। ये जो इंटीग्रेशन का एक स्पेशल स्टैंडर्ड है जहाँ पे अपन ना तो प्रोडक्ट रूल पे जाते हैं ना किसी पे, वही सिंपल और क्या कह देना चाहिए सब्स्टिट्यूशन पे रहते हैं। तो उन्हीं में से एक सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है किसका, पार्शियल फ्रैक्शन का। समझिए पार्शियल फ्रैक्शन, पहले एमपी बोर्ड के सिलेबस में क्या था कि पार्शियल फ्रैक्शन एक चैप्टर हुआ करता था, अब ऐसा नहीं है क्योंकि अब सारा सिलेबस सेम हो गया है। समझिएगा होता क्या है पार्शियल फ्रैक्शन, समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए हमारे पास कोई फ्रैक्शन अवेलेबल है, हमारे पास कोई फ्रैक्शन अवेलेबल है, अभी देखना ये कंबाइंड फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर में एक और डिनोमिनेटर में दो फैक्टर है। अगर मैं इन दोनों फैक्टर्स को एज अ फ्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो वो क्या कहलाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन। मेरे पास कुछ ऐसा भी हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स माइनस वन, मेरे पास कुछ ऐसा भी हो सकता है एक्स प्लस वन होल स्क्वायर एक्स प्लस टू, किसी भी टाइप का फ्रैक्शन मेरे पास हो सकता है। और उन सब टाइप के फ्रैक्शंस को मैं एक कुछ नए फ्रैक्शंस के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। वो जो ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन है ना उन्हें हम पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। समझिएगा पार्शियल फ्रैक्शन की क्या कंडीशंस हैं। सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन बनाने से पहले, जैसे मान लो इसी को मैं लिख दूं कि मैं कोई कोफिशियंट ए ले लेता हूं ए के साथ एक्स प्लस वन, कोई दूसरा कोफिशियंट बी ले लेता हूं बी के साथ एक्स माइनस टू, मैं कोई कोफिशियंट ए एक्स प्लस बी, क्योंकि मैं क्वाड्रेटिक को दे रहा हूं ये क्वाड्रेटिक है ना तो ऊपर लीनियर ले लेता हूं, और कोई सी अपॉन कितना एक्स माइनस वन, यहां पर मैं कोई कोफिशियंट ए ले लेता हूं, ठीक है ना, और कोई कोफिशियंट क्या है मैं इसकी एक और पावर के लिए ले लेता हूं, और कोई कोफिशियंट मैं इस लीनियर फैक्टर को ले सकता हूं। ये लीजिए मैंने इन फ्रैक्शंस को पार्शियल फ्रैक्शन में स्प्लिट कर दिया, इन्हीं फ्रैक्शंस को हम पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है ना, इन्हीं क्या बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। हालांकि अभी ए और बी अननोन क्वांटिटीज हैं, अभी मैंने ये आर्बिट्री ले लिए हैं, हालांकि इनकी एक सर्टेन वैल्यू होती है इन क्वेश्चंस के लिए, वो वैल्यू फाइंड ही करना है अपन को, वो पूरे पार्शियल फ्रैक्शन में हम इस ए और बी की सी की वैल्यू ही फाइंड करते हैं और कुछ नया नहीं है, कुछ स्पेशल नहीं है, फ्रैक्शन की हेल्प से हम ये ए बी सी वगैरह फाइंड करते हैं। समझिए पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले आपको कुछ कंडीशंस याद रखनी होंगी। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। मुझे लगता है बहुत से लोगों ने सिक्स क्लास से पढ़ रखा है प्रॉपर फ्रैक्शन और क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, याद है ना आप लोग को, एट्थ में पढ़ाया था कुछ लोगों को, यहाँ क्लास में बैठे होंगे एट्थ क्लास में मैंने डिस्कस कराई प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, क्या डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर देन फ्रैक्शन इज सेट टू बी प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर तो फ्रैक्शन क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। कैसा फ्रैक्शन होगा बोलिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या बोला मैंने, दो टाइप के फ्रैक्शन होते हैं, पहला क्या प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। किसको बोलते हैं भाई प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर तो फ्रैक्शन का नाम क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या नाम होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर देन फ्रैक्शन इज सेट टू बी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बोले सर आप इसको यहां पे क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि जब हम पार्शियल फ्रैक्शन बनाने जाते हैं तो फ्रैक्शन कैसा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है तो हम उसकी पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना, अगर फ्रैक्शन कैसा है इम्प्रॉपर तो हम उसकी पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड नहीं कर सकते हैं। बोले सर अगर इम्प्रॉपर हुआ तो फिर कैसे फाइंड करते हैं, इम्प्रॉपर अगर हुआ तो पहले उसको प्रॉपर बनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा प्रॉपर बनाना पड़ेगा। प्रॉपर कैसे बनाते हैं, डिवाइड करके, भाई किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइजर से ही ना करेंगे, डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से।
डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन मिल जाएगा। समझिएगा ध्यान से, आगे देखिए। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रख के और उनका पार्शियल फ्रैक्शन बनाने जा रहा हूँ। नोटिस कीजिएगा, बहुत ही आसान है। देखिएगा ये दो चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। मान लीजिए मैंने ये पहला क्वेश्चन ही ले लिया, समझिएगा। आप देखिए इसके न्यूमरेटर में वन है मतलब जीरो डिग्री, और डिनोमिनेटर कैसा है, क्वाड्रेटिक। डिनोमिनेटर कैसा है, क्वाड्रेटिक, मतलब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है, मतलब ये कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर। घबराओ मत, सीधे आके पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हैं। अब होता क्या है, पहले स्टेज में होती है स्प्लिटिंग। अब समझिए, अगर हमारे पास लीनियर फैक्टर है, अगर नहीं है तो सबसे पहले तो लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर लो। अगर लीनियर फैक्टर है, अगर लीनियर फैक्टर है तो हर एक फैक्टर को एक कोफिशियंट के साथ स्प्लिट कर दो। कौन से फैक्टर, लीनियर फैक्टर, कौन से फैक्टर, लीनियर। अभी सिर्फ लीनियर पे कंसंट्रेट करो। अगर हमारे पास लीनियर फैक्टर है तो कोफिशियंट के टर्म्स में स्प्लिट कर दिया, दो थे तो दो में स्प्लिट कर दिया, तीन होते तो तीन में करते, और 26 होते तो पूरे 26 में कर देते, ए टू जेड। समझ रहे हैं ना। चलिए कैसे करते हैं, सॉल्व करिए, ध्यान दीजिएगा। ये लीजिए मैंने इनका डिनोमिनेटर ले रखा है, यहां पे सॉल्व करिए। फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, पहले एलसीएम लेंगे। चलो भाई एलसीएम ले लिया, अब इससे डिवाइड करेंगे तो बचेगा एक्स माइनस टू। एक्स माइनस टू का ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कर दिया। एक्स माइनस टू से डिवाइड करेंगे, एक्स प्लस वन बचेगा, एक्स प्लस वन का बी से मल्टीप्लाई कर दिया। ये दोनों कैंसिल हो गए, वन इक्वल। सॉल्व करो इसको, ए प्लस बी ऑफ एक्स प्लस माइनस टू ए प्लस बी। अब ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, हम कोफिशिएंट्स कंपेयर करने जा रहे हैं, ठीक है ना। बात को समझिएगा, इधर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए प्लस बी है, इधर एक्स है ही नहीं मतलब जीरो, यहाँ पे कांस्टेंट हम क्या है, माइनस टू ए प्लस बी, इधर पे कितना है वन। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन, ये हो गई क्या थर्ड, बाई सेकेंड एंड थर्ड। देखिएगा ए प्लस बी इक्वल जीरो, माइनस टू ए प्लस बी इक्वल वन, कर दीजिए सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, थ्री ए इक्वल माइनस वन, ए का वैल्यू कितना आ गया बोलो, माइनस वन बाय थ्री। आगे समझिएगा, इसके बाद क्या होगा, जब ए का वैल्यू माइनस वन बाई थ्री है तो बाय क्या सेकेंड, बी का वैल्यू क्या होगा, वन बाई थ्री। चलिए काम हो गया, बाई फर्स्ट क्या लिखेंगे, वन बाय एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू इक्वल्स ए, मतलब कितना माइनस वन बाई थ्री एक्स प्लस वन, बी मतलब कितना वन बाई थ्री एक्स माइनस टू। देखिएगा ध्यान से, ये मेरे पास जो एक फ्रैक्शन था मैंने इसको दो फ्रैक्शंस में स्प्लिट कर दिया, इन्हीं फ्रैक्शंस को क्या बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस। इस एक फ्रैक्शन को हमने दो छोटे छोटे फ्रैक्शन में स्प्लिट कर दिया, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। इसको इंटीग्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल था और इसको बहुत ही आसान। आ गया समझ में, आ जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, इस तरीके से हम लीनियर फैक्टर वाले फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब देखिए यहीं कहीं अगर ये फ्रैक्शन कुछ इस टाइप का हो तो कैसे पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हैं, समझिएगा। किस टाइप का, मान लीजिए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स माइनस टू, समझिएगा। मैं इनको कोफिशियंट्स में स्प्लिट करने जा रहा हूं, कितने फैक्टर है हमारे पास, दो। ये कैसा फैक्टर है, लीनियर फैक्टर है, चलो भाई ए अपॉन प्लस। ये कैसा फैक्टर है, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक के लिए हमें क्या चाहिए, ऊपर लीनियर चाहिए, बी एक्स प्लस सी अपॉन क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये हो गया हमारे लिए एक फर्स्ट इक्वेशन, ये बन गई हमारी पार्शियल फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन को हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास ए बी सी क्या है, अननोन है। चलिए अब फाइंड करते हैं ए बी सी, कैसे करेंगे देखिएगा। एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स माइनस टू, इधर पे एलसीएम कितना आएगा, एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ध्यान दीजिएगा। अब मैं एक्स माइनस टू से इसको डिवाइड करता हूँ, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन।
मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन से डिवाइड करता हूं, क्या बचेगा? एक्स माइनस टू इंटू बी एक्स प्लस सी। अब देखिए कैंसिल हो जाएगा, एक्स इक्वल ए प्लस बी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस टू सी प्लस क्या आएगा बताइए, माइनस टू बी प्लस सी इंटू एक्स। समझ में आ गया? मैंने मल्टीप्लाई करे, कोफिशियंट अलग अलग कर लिए, ए के साथ एक्स स्क्वायर है और बी के साथ एक्स स्क्वायर है, ए कोफिशियंट सिंपल सिंगल है और यहाँ माइनस टू सी सिंगल है। यहाँ पे एक्स के साथ कौन कौन है, एक तो सी, दूसरा का माइनस का टू भी, ये आ गया। ऑन कंपेयरिंग द कोफिशियंट्स, ऑन कंपेयरिंग द कोफिशियंट्स, समझिएगा क्या आएगा। आप देख रहे होंगे इस तरफ एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, ए प्लस बी है, और लेफ्ट साइड तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं है, इसका मतलब ए प्लस बी क्या हो गया, जीरो। आगे समझिए, यहां पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस टू बी प्लस सी, और यहां पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, वन, थर्ड हो गया। यहां पे कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, ए माइनस टू सी, और यहां पे कितना है, जीरो, कोई कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है। अब हमें ये तीनों इक्वेशन सेकेंड थर्ड फोर्थ सॉल्व करके ए बी सी फाइंड करना है। समझिएगा ध्यान से, जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें ए और बी है, और जो थर्ड और फोर्थ है उसमें ए सी और बी सी है। अगर हम सी खत्म कर दें तो ये सेकेंड के साथ सॉल्व हो जाएगा बाय थर्ड एंड फोर्थ। समझिएगा, थर्ड में क्या है, माइनस टू बी प्लस सी इक्वल्स वन, अगर और नीचे वाले में कितना है, माइनस टू सी, अगर मैं इसमें टू का इंटू कर दूं तो ये भी क्या हो जाएगा, टू सी हो जाएगा, यहाँ पे टू बन जा टू। दूसरा क्या अपने पास, a माइनस टू सी इक्वल्स जीरो, ऐड कर दो दोनों को, a माइनस फोर बी इक्वल्स टू, इसका नाम रखवा देते हैं पांच नंबर, बाय सेकेंड एंड फिफ्थ। चलिए सेकेंड कितना है बोलो, a प्लस बी इक्वल जीरो, फिफ्थ क्या है बोलो, a माइनस फोर बी इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फोर बी एंड बी कितना, फाइव बी इक्वल कितना, माइनस टू, तो b इक्वल क्या आएगा, माइनस टू बाई फाइव, बी इक्वल क्या आएगा बोलो, माइनस टू बाई फाइव। क्या मुश्किल लग रहा, बताओ जल्दी से, आ जाएगा। अगर b माइनस टू बाई फाइव है तो a क्या होगा बताइए, टू बाई फाइव होगा, a क्या होगा, टू बाई फाइव। अब कहाँ रख देते हैं, किसी में एक भी रख दो, फोर्थ में रख दो, बाई फोर्थ, क्या है फोर्थ बताइए, टू सी इक्वल a, तो टू सी इक्वल a का वैल्यू कितना है, टू बाई फाइव, कट जाएगा, c का वैल्यू क्या आ गया बोलिए, 1 बाई फाइव, आ जाओ फर्स्ट में, बाई फर्स्ट, तो जो हमारे पास था x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स माइनस टू, मैं इसको क्या लिख सकता हूं अब, a अपॉन x माइनस टू, ए मतलब 2 बाई फाइव इंटू कितना, x माइनस टू, एक फ्रैक्शन तो ये बन गया, प्लस बी एक्स प्लस सी, तो b कितना है भाई, माइनस टू बाई फाइव, सी कितना है, 1 बाई फाइव, तो क्या आएगा, माइनस टू एक्स प्लस वन अपॉन फाइव, माइनस टू एक्स प्लस वन अपॉन फाइव एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये आ गया अभी आपके पास, माइनस टू एक्स प्लस वन अपॉन फाइव एक्स स्क्वायर प्लस वन। कितना सिंपल था, क्या मुश्किल लग रही बोल लीजिए। मैंने इसको इन दो छोटे छोटे फ्रैक्शंस में स्प्लिट कर लिया, इससे हमारा इंटीग्रेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मैंने आपको दो टाइप के पार्शियल फ्रैक्शन बता दिए, पहला तो कौन सा जिसमें लीनियर फैक्टर्स हो, इसके जस्ट पहले वाला, दूसरा कौन सा जिसमें क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, वो बता दिया। आ गया समझ में, बन जाएगा। चलिए इस तरीके से आप क्वेश्चंस में पार्शियल फ्रैक्शन इंप्लीमेंट करके और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए, फिर कुछ क्वेश्चन करूंगा तो आपको बहुत आसानी होगी, नोट कर लीजिए प्लीज। अब मैं आपके सामने कुछ दो चार क्वेश्चन रखूंगा जो कि पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से ही सॉल्व होते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और इंटीग्रेशन आपको आसान लगने लगेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं बताऊंगा कैसे आपको पार्शियल फ्रैक्शन का इम्प्लीमेंटेशन करना है, बेहद आसान है, इंटीग्रेशन में घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, पेशेंस के साथ कोशिश करते रहिए, आपसे बन के ही रहेगा। समझ लो भाई, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिएगा अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मेरे पास। अब देखिए पार्शियल फ्रैक्शन से मैं आपके सामने एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं, ठीक है ना, पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से। क्वेश्चन में था
साइन एक्स अपॉन वन माइनस कॉस एक्स इंटू टू माइनस कॉस एक्स, ठीक है भाई, डी एक्स, क्लियर। अभी मैंने ना आपको पार्शियल फ्रैक्शन जब बताया था तो उसमें यहाँ पे कॉस एक्स वगैरह नहीं होता था, तो एक्स होता था, टी होता था, ये सब होता था। हाँ, ये दोनों लीनियर फैक्टर हैं, ये बात सही है, लेकिन यहाँ पे साइन एक्स है, यहाँ कॉस एक्स है, अजीब सा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या करा, लेट माइनस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी, माइनस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू क्या, टी। अगर माइनस कॉस एक्स को टी लेट करते हैं तो क्या आएगा, साइन एक्स इक्वल डी टी बाई डी एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा, डी टी। जल्दी से वैल्यू पुट कर दो भाई, आई इक्वल डी टी अपॉन वन प्लस टी टू प्लस टी, हो गया। अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप जानते हो क्या, नहीं जानते ना, चलिए इसको फर्स्ट इक्वेशन बना के रुक जाइए। अपने पास है क्या, वन अपॉन वन प्लस टी टू प्लस टी, दोनों कैसे फैक्टर है भैया, लीनियर फैक्टर है, कैसे फैक्टर है, लीनियर फैक्टर, कोई बात नहीं है कि नहीं, आर्बिट्री के टर्म्स में इनको स्प्लिट कर दो। लो यार ये कर दिया, बी अपॉन टू प्लस टी, ये बन गया सेकेंड इक्वेशन। चलिए हमारा टारगेट क्या बन गया, ए और बी फाइंड करना, चलो जल्दी से सॉल्व कर लो इसको स्प्लिट से, वन प्लस टी टू प्लस टी इक्वल्स, एलसीएम आया कितना, वन प्लस टी टू प्लस टी, वन प्लस टी से डिवाइड करेंगे तो टू प्लस टी आएगा, टू प्लस टी से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, वन प्लस टी आएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वन इक्वल क्या मिलेगा, टू ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी ऑफ टी ऑन कंपेयरिंग, करिए कंपेयर, टू ए प्लस बी कितना मिल रहा है, वन, ए प्लस बी कितना मिल रहा है, जीरो, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, कर दीजिए भाई सब्ट्रैक्ट, कैंसिल, टू ए माइनस ए कितना, ए इक्वल वन, ए का वैल्यू वन आ गया तो बी का वैल्यू क्या आएगा, बोलो माइनस वन, अगर ए आ गया वन तो बी कितना आ गया, बोलो माइनस वन, यही पुट करके सॉल्व करा है मैंने। चलिए देख लीजिए आगे, बाई सेकेंड, सेकेंड से क्या मिलेगा, वन अपॉन वन प्लस टी और टू प्लस टी को मैं क्या लिख लूंगा, ए अपॉन वन प्लस टी मतलब वन अपॉन वन प्लस टी, बी अपॉन टू प्लस टी मतलब माइनस वन अपॉन टू प्लस टी, कर लिया स्प्लिट, आसान लगने लगा। चलिए अब बात करते हैं बाई फर्स्ट, बाई फर्स्ट, फर्स्ट में रख लीजिए, आई इज इक्वल्स टू, जहां पे ये लिखा था उधर अब ये लिख जाएगा, वन अपॉन वन प्लस टी डी टी माइनस वन अपॉन टू प्लस टी डी टी, चलो बताओ जल्दी से बताओ, वन अपॉन वन प्लस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ वन प्लस टी, माइनस वन अपॉन टू प्लस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ टू प्लस टी, आ गया समझ में। अगर आप ध्यान रखें तो ये लिखा है लॉग एम माइनस लॉग एन, और लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन, टी की वैल्यू वापस कर दो, क्या था टी, माइनस कॉस एक्स, वन माइनस कॉस एक्स अपॉन टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी, क्या मुश्किल लग रही, बोलिए क्या नहीं आया समझ में, यहां पे ऐसे काम आता है पार्शियल फ्रैक्शन। हमने ये पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से ही इंटीग्रेशन को आसान बना लिया और सॉल्व भी कर लिया, अगर हमने पार्शियल फ्रैक्शन ना लगाया होता तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाते। समझ आ गया ना, इजी लग रहा है अब तो, मुश्किल नहीं जा रही ना, नोट कर लीजिए प्लीज। एक और क्वेश्चन देखिए, पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, टू अपॉन वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसका अपन पार्शियल फ्रैक्शन बनाना चाहते हैं, ये लीनियर फैक्टर है ए अपॉन वन माइनस एक्स, ये क्वाड्रेटिक है बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्लियर, सेकेंड इक्वेशन हो गया। चलिए जुट जाइए ए बी सी फाइंड करने में, टू अपॉन वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर, एलसीएम कितना आएगा, वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन से डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा, वन माइनस एक्स, आ गया समझ में। चलिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे, टू इक्वल ए प्लस बी ऑफ ए माइनस बी ऑफ एक्स स्क्वायर, ए माइनस बी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस सी प्लस बी माइनस सी ऑफ एक्स,
ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स. समझिए कोएफिशिएंट्स कैसे कंपेयर करने हैं. यहां पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ए माइनस बी है, लेफ्ट साइड में तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं भाई. इधर पे कांस्टेंट टर्म क्या है, ए प्लस सी है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे टू है. यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट बी माइनस सी है और यहाँ पे कोई एक्स नहीं है. समझ रहे हैं बात को. चलिए हमको ए बी सी ही फाइंड कर रहे हैं. एक्चुअल में है क्या कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड में ए माइनस बी है लेकिन फोर्थ और फिफ्थ में सी वाली टर्म है. तो भाई फोर्थ एंड फिफ्थ समझिएगा, दोनों को ऐड कर देते हैं. ए प्लस बी इक्वल क्या मिल जाएगा, टू. इसका नाम रख देते हैं सिक्स, बाई सेकेंड थर्ड सॉरी एंड सिक्स. थर्ड क्या है ए माइनस बी इक्वल जीरो और ये क्या है ए प्लस बी इक्वल टू. कैंसिल हो जाएगा, टू ए इक्वल टू, ए का वैल्यू कितना आ गया वन और बी का वैल्यू भी कितना आएगा वन. अगर बी वन है तो सी क्या आएगा, बोलो सी क्या आएगा, सी भी वन आएगा. अगर ए वन है, ए वन है तो सी क्या आएगा वन, अगर बी वन है तो सी क्या आएगा वन. सब कुछ वन वन आ गया बाई सेकेंड. चलो करो वैल्यू पुट. जो हमारे पास था ना टू अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा ए अपॉन वन माइनस एक्स, ए मतलब वन प्लस बी एक्स प्लस सी मतलब एक्स प्लस वन अपॉन कितना एक्स स्क्वायर प्लस वन. जल्दी इसको फर्स्ट में पुट कर दीजिए. देखिए भाई कहाँ है फर्स्ट, आई इक्वल उसकी जगह पे ये रख दिया मैंने वन अपॉन वन माइनस एक्स डी एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स. समझिएगा इसको टी लेट करेंगे ऊपर माइनस डी टी हो जाएगा, माइनस डी टी हो जाएगा तो माइनस लॉग ऑफ वन माइनस एक्स हो जाएगा प्लस इसको टी लेट करेंगे, इसको टी लेट करेंगे तो आएगा वन बाय टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन और वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या होता है टेन वर्स एक्स. आ गया समझ में, क्या मिल गया अभी आपको आई इक्वल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर हाफ अपॉन वन माइनस एक्स प्लस टेन वर्स एक्स प्लस सी. क्यों लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है लॉग ऑफ एम अपॉन एन, ये एन लॉग एम से पावर ऊपर चली जाएगी. ये है, क्या समझ में नहीं आया, पार्शियल फ्रैक्शन ही ना किया है, सारी मेहनत पार्शियल फ्रैक्शन में, आखिरी में लाके वैल्यू पुट कर दी, ये सॉल्व हो गया. कितना सिंपल था, क्या मुश्किल लग रही बोल लो, क्या प्रॉब्लम है, आ जाएगा. इस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन कितना हेल्पफुल है हमारे लिए, ये आपने इसकी इंपॉर्टेंस देख ली होगी और पार्शियल फ्रैक्शन से प्रॉब्लम कैसे मैनेज करने हैं ये भी देख लिया आपने. नोट कर लीजिए प्लीज, इसको नोट कीजिए. फिर एक और आखिरी क्वेश्चन करते हैं जिसके बाद आपको सिंपल इंटीग्रेशन का कुछ भी डाउट नहीं बचेगा. मुझे पता है कैसा भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, प्रोडक्ट छोड़ के इंटीग्रेशन का कैसा भी क्वेश्चन अब आपके सामने आ जाए, मुझे भरोसा है हर एक बच्चे से हर एक क्वेश्चन बन जाएगा और यही तो चैलेंज है. मैं इंटीग्रेशन भाई पार्ट छोड़ के सारे क्वेश्चंस का चैलेंज करता हूँ, आपको बन जाएगा मुझे भरोसा है. एक और शानदार और आखिरी क्वेश्चन जहाँ पे आपको महसूस करना है पार्शियल फ्रैक्शन पहचानने को. क्वेश्चन है एक्स इन टू एक्स क्यूब प्लस वन, ठीक है क्लियर. चलिए देख लेते हैं, ये बात ठीक समझ में नहीं आ रही, कुछ अजीब सी लग रही है. चलो एक्स क्यूब प्लस वन को टी लेट कर लो. अगर आप एक्स क्यूब प्लस वन को टी लेट करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, थ्री एक्स स्क्वायर डी टी बाई क्या डी एक्स. तो डी एक्स की जगह पे आप क्या लिख लोगे, डी टी अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर लिख लोगे. चलो जल्दी से अप्लाई कर दो, ऊपर जहाँ डी एक्स था वहाँ गया डी टी अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर. ये एक्स पहले से बाहर था, रहने दो, इसको मैंने टी लेट करा, रहने दो. आगे समझ लो, आई इक्वल डी टी अपॉन थ्री टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब और एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आएगी टी माइनस वन और ये तो टी है ही, बन गया आपका काम वन बाई थ्री बाहर डी टी अपॉन टी टी माइनस वन है. यहाँ पे दो दो फैक्टर वो भी लीनियर. चलो आ जाओ शुरू कर देते हैं, वन अपॉन टी टी माइनस वन इक्वल क्या देखने को मिलेगा बोलो, जल्दी बताओ, ए अपॉन टी बी अपॉन टी माइनस वन सेकेंड इक्वेशन. यदि सॉल्व कर लो t
टी टी माइनस वन, एलसीएम ले लो टी टी माइनस वन, ए टाइम्स ऑफ टी माइनस वन प्लस बी टाइम्स ऑफ टी, कैंसिल हो जाएगा, वन इक्वल ए प्लस बी टी माइनस ए। ऑन कंपेयरिंग करो भैया, कंपेयर ए प्लस बी की वैल्यू कितनी जीरो और माइनस ए की वैल्यू कितनी वन। अगर माइनस ए वन है तो ए का वैल्यू क्या होगा माइनस वन, इधर लाके पुट कर लो बी का वैल्यू क्या होगा प्लस वन। क्या समझ नहीं आ रहा जल्दी बोल लो, क्लियर हो गया क्या जाएगा? देखिए आगे, अगर ए प्लस बी की कोफिशिएंट टी है तो इधर पे तो जीरो, ए प्लस बी जीरो हो गया, माइनस ए की वैल्यू कितनी वन, तो ए की वैल्यू माइनस वन, ए की वैल्यू माइनस वन तो बी की वैल्यू क्या प्लस वन। समझिएगा आगे, बाई सेकेंड तो वन अपॉन टी इन टू टी माइनस वन को लिख सकते हैं माइनस वन बाय टी, ठीक है भाई, प्लस वन बाय टी माइनस वन, क्लियर। चलिए आगे समझिएगा, तो आई इज इक्वल्स टू वन अपॉन टी इन टू टी माइनस वन डी टी, मतलब माइनस वन या माइनस वन अपॉन टी डी टी प्लस डी टी अपॉन टी माइनस वन, माइनस बाहर रहेगा, वन बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग टी, प्लस लॉग ऑफ टी माइनस वन, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम अपॉन एन। जल्दी से टी की वैल्यू वापस कर दो, क्या था भाई टी, टी क्या था जल्दी बोलो, टी क्या था एक्स क्यूब प्लस वन, तो टी माइनस वन क्या होगा एक्स क्यूब, टी क्या होगा एक्स क्यूब प्लस वन प्लस सी। क्या मुश्किल लग रही है आपको जल्दी बोलो, क्या समझ में नहीं आया, बन जाएगा अच्छे खासे क्वेश्चन को मैंने पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक समझ में आ रहा है? मेरे कहने का यह मतलब था इस क्वेश्चन को बताने का कि पार्शियल फ्रैक्शन ऐसा छुपा हुआ भी हो सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब मैं बता दूं आपको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स मतलब प्रोडक्ट रूल के पहले जितने टाइप के भी इंटीग्रेशन होते हैं या प्रोडक्ट रूल के अलावा जितने टाइप के भी इंटीग्रेशन होते हैं वो सारे इंटीग्रेशन आपसे बन जाएंगे इनडेफिनेट में। एनसीईआरटी से कहीं भी किसी भी कोने से क्वेश्चन उठाइए, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स या फिर प्रोडक्ट रूल छोड़ के हर क्वेश्चन आपसे बनेगा। जल्दी से नोट करिए, और कैसा भी डाउट हो, थोड़ी भी दिमाग में मलाल हो, तुरंत फोन लगाइए, ठीक है ना, सारी प्रॉब्लम क्लियर करूंगा, तुरंत कॉल करिए निसंकोच होके, है ना। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बात करते हैं, नोट कीजिए प्लीज।